और अब एक ऐसी खबर जो इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दे, उन लोगों की इंसानियत पर जो ताउम्र लोगों की मदद करते हैं। कहानी उस शख्स की जिसने ताउम्र दूसरों की मदद की, लावारिस शवों को अपना समझकर मुखाग्नि दी, आज उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। नाम पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, काम 25,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। जी हाँ, बिस्तर पर पड़े ये शख्स हैं मोहम्मद शरीफ। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ 83 साल के हैं। अपनी जिंदगी के 25 साल में इन्होंने 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। लावारिस लाशों के मसीहा कहलाए, आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में बुलाया गया, सरकार ने काम को सराहा और पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित किया। जो शख्स लावारिस शवों का मसीहा कहलाया, उसके सिर पर खुद की छत नहीं है, किराए की छत के नीचे बिस्तर पर लेटे इस मसीहा को आज मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के इन हाथों को थाम कर सहारा देने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद शरीफ पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन गरीबी के अभिशाप में इलाज कराने में असमर्थ हैं। सहारा लगा रहता है कि सरकार हम दादा की कोई सुविधा मिलेगी, और सड़क की कोई अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। बिस्तर पर लेटे रह ताकती नम आंखें, हाथों में सरकारी कागज थामे पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को मदद के मसीहा की जरूरत है। ABP News आपको रखे आगे।